सो गाइस आप लोग साइड में देख सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इस पर 16 मिलियन की रीच है और आप देख सकते हो उस पर व्यूज़ भी अच्छे खासे आते हैं। काफ़ी सारे वीडियोस इसमें मेरी मिलियंस ऑफ व्यूज़ पार कर चुकी है, ठीक है। अच्छे खासे फॉलोवर्स है मेरे, 1,31,000 प्लस फॉलोवर्स मैंने कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग इस पर 2,00,000 फॉलोवर्स भी कंप्लीट करवा दो जल्द से जल्द, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट और प्यार की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। गाइज मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ भी पहले ऐसा नहीं था, मेरे रील्स पर भी आप ही की तरह 50, 60, 70, 80 ऐसे ही व्यूज़ आते थे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा परेशान था, क्योंकि मुझे उस टाइम पर रील्स अपलोड करने का तरीका नहीं मालूम था। क्योंकि अगर मुझे उस टाइम पर रील्स अपलोड करने का तरीका मालूम होता तो मेरे 7 साल बर्बाद नहीं होते, ठीक है। मैं 7 साल से वीडियोज़ बना रहा हूँ और मेरे को कोई रीच नहीं मिली थी, पर जब से मेरे को पता चला है कि रील्स अपलोड कैसे करते हैं, वीडियोज़ अपलोड कैसे करते हैं, तब से मेरे को समझ में आ गया कि भाई रीच ऐसे ही बढ़ती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको रील्स अपलोड करनी है कि आपकी रील्स भी मिलियंस ऑफ व्यूज पार करें और आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। वीडियो में स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा मोबाइल की स्क्रीन पर, तो चलो चलते हैं। तो गाइस आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद अब आपको सर्च बार में लिखना है इंस्टाग्राम और आपको क्या करना है, सर्च कर देना है। सर्च करते आप देख सकते हो इंस्टाग्राम ओपन हो चुका है। फिलहाल तो इंस्टाग्राम को कोई अपडेट है नहीं, तो हम इसे यहीं से इसे ओपन कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ रील्स अपलोड करने का तरीका। सबसे पहले आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। प्लस वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद अब आपको रील्स वाले सेक्शन को क्लिक करना है, ठीक है। पोस्ट पर कभी भी अपनी रील्स को अपलोड नहीं करना है, ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। काफ़ी लोग गलती क्या करते हैं कि पोस्ट में अपनी रील को अपलोड कर देते, तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। रील्स वाले सेक्शन में ही अपनी रील्स को आपको अपलोड करनी है। तो रील्स वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ से आपको कोई रील चूज़ कर लेनी है, जो भी आपको रील्स इसमें अपलोड करनी है, ठीक है। तो कौन सी रील लें, तो चलो ये वाली रील्स हम लोग ले लेते हैं। वो कौन है तो जिसका पढ़ाई लिखाई करने का भी कोई फायदा नहीं होता? गुड क्वेश्चन। एक मिनट, नेक्स्ट पे क्लिक करना। डॉक्टर, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको एक कवर फोटो चूज़ कर लेना है, जो भी आपको सूट करे। तो हम ये कवर फोटो ले लेते हैं। अगर आप अपने फ़ोन की गैलरी से भी कोई कवर फोटो चूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो, ऑप्शन दे रखा है इंस्टाग्राम ने, ठीक है। तो फिलहाल तो हम वही कवर फोटो रहने देते हैं। अब आपको डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो कैप्शन वाला ऑप्शन आ चुका है यहाँ पर। तो कैप्शन में अगर आपको समझ में नहीं आता है कि क्या कैप्शन लिखे, तो आप बस ये भी लिख सकते हो, वेट फॉर दी एंड। बस ये कैप्शन में भी आप लिख सकते हो और एक प्यारी सी कोई सी भी इमोजी आप लगाना चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। नीचे आते ही आपको 3 हैशटैग लगाने हैं। सबसे पहला हैशटैग है इंस्टा रील का, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रील्स को वायरल करने के लिए। हिंदी में हो गया, फर्स्ट में आपको इंस्टा रील का लगाना है। सेकेंड में हैशटैग आपको ट्रेंडिंग का लगाना है और थर्ड में आपको लगाना है वायरल रील्स का। ये 3 हैशटैग हुए। लास्ट में आप अपने नाम का भी हैशटैग लगा सकते हो, जैसे कि मैं लगाता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो लगा सकते हो और नहीं लगाना चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। ये 4 हैशटैग मेन हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा एडवांस सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। एडवांस सेटिंग पर क्लिक करने के बाद अगर आपका गिफ्ट वाला ऑप्शन आ गया है, इनेबल हो चुका है, तो आपको इसको इनेबल ही रखना है, ऑफ नहीं करना है, क्योंकि जो चाहेगा वो आपका गिफ्ट कर सकता है इससे। अपने जो लाइक है आपको उसको हाइड कर देना है। लाइक नहीं दिखते तो लोग ज़्यादा लाइक करते हैं। अब बैक चलते हैं। बैक चल के अब आपको क्या करना है, आप कोई अपनी लोकेशन भी ऐड कर सकते हो जहाँ पर आप रहते हो। तो दिल्ली में ऐड कर देता हूँ, या फिर रहन दो, ये काफ़ी नहीं है, तो ये इसको हटा दिया हमने, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे रील्स है वो रेडी हो चुकी है। अब आपको कुछ भी इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। शेयर के बटन पे दबा करके आपको ये रील को अपलोड कर देना है। फिलहाल तो ये मैंने रील सुबह ही अपलोड कर रखी है, तो मुझे इसको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझाना था इसलिए मैंने ये रील्स को लिया था। सो गाइस ये वो तरीका था जिस तरीके से मैं अपने रील्स को अपलोड करता हूँ, मेरी रील्स जो है वो मिलियंस ऑफ व्यूज़ पार करती है, ठीक है। आप लोग भी ये मेथड करते रहो, 1 महीने तक आपकी भी रील्स कोई ना कोई सी वायरल हो जाएगी, और जब एक रील्स वायरल हो जाती है तो सारी रील्स वायरल होनी चालू हो जाती है। तो ये मेथड आपको फॉलो करना है। अब मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ कि किस टाइम पर आपको अपने रील्स को अपलोड करना है, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी रील्स को वायरल करने के लिए।
तो सबसे पहले मैं आपको टाइम बता देता हूँ, सुबह 8 बजे आपको एक रील्स को अपलोड करना है और शाम को 7 बजे आपको एक रील्स को अपलोड करना है। दो रील्स आपको अपलोड करनी है। अगर आपके कम फॉलोवर्स हैं, अगर आपके 100, 200, 500 फॉलोवर्स हैं, 1000, 2000 फॉलोवर्स हैं, तो आपको ये मेथड फॉलो करना है और दो रील्स पर डे आपको अपलोड करनी है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।